हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। तो माय नेम इज मलिका सेठी, यू साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 9th क्लास एंड 10th क्लास। आपको आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हम बायोलॉजी आज से स्टार्ट करने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजी है और ये चैप्टर तो मेरा फेवरेट है। आई होप ये चैप्टर कराने के बाद ये आपका भी फेवरेट होने वाला है। सो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि आप ये YouTube चैनल की क्लास अपार्ट अनअकैडमी के चैनल पे मुझे देख रहे हैं, बट आप अपने फोन में अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं है तो पहले आप डाउनलोड कर ले, उसके बाद आपको उसमें सारे के सारे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइक आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग लेते हैं तो आप उनको पे करते हैं, वैसे ही आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कोई आपको टेस्ट क्लियर करना है, कंपटीशन का 11th क्लास करनी है, 10th करनी है, 10th करनी है, सबके लिए अवेलेबल है। प्लस आप कोर्सेज प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर आप मेरा यूज करेंगे कोड MASE तो आपको 10% उसी टाइम ऑफ मिल जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो एंड यूज दिस रेफरल कोड MASE। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। कोई भी कंपटीशन करना है तो आप ऐसे चुटकियों में करेंगे क्लियर। तो ये था छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हम करने वाले हैं हमारी बायोलॉजी स्टार्ट, लाइफ प्रोसेसेस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर है। बड़ा है थोड़ा सा, बट हम इसको करेंगे पार्ट बाय पार्ट, लाइफ प्रोसेस को। छोटा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। देखो लाइफ क्या है, हम बोलते हैं ना कि ये तो मेरी लाइफ है, दिस इज माय पर्सनल लाइफ। तो हम पर्सनल लाइफ मेरी लाइफ करते रहते हैं, तो लाइफ मीन्स हमारा जीवन या हमारी जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसे हम लाइफ बोलेंगे। प्रोसेस लाइफ के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं हमारे बॉडी में। लाइक आप देखो, मुझे बताओ कि हमें क्या क्या चीज चाहिए, हम क्या क्या, हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हम खाना भी खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, हम सांस भी लेते हैं। देखो मेन जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, ठीक है, रहना और ये सब, तो रोटी कपड़ा मकान तो हमारी नीड होती है। बट हम जो लाइफ प्रोसेस एज ए बेसिकली हम साइंस की बात करें या हमारी बॉडी को लेके बात करें, तो हम खाए बिना कोई भी एक लिमिटेड अमाउंट के बिना, हर किसी की कैपेसिटी होती है, या तो आप 1 डे भूखा रह सकते हो या 1 आवर भूखा रह सकते हो, बट हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम इतने देर तक हम बिना खाना खाए रह सकते हैं। तो खाने के बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते, पानी के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते, और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही है, सांस लिए बिना नहीं रह सकते। आप अपनी सांस पर तनाव को दबा के देखो कितनी देर तक रुक जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड 50 सेकेंड, मैक्सिमम 50 सेकेंड आप स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अभी तो वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है तो हमें पता है ऑक्सीजन की कितनी नीड होती है, तो ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ नहीं है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमें अलाइव रहने के लिए नेसेसरी हैं। ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में भी हो रही हैं और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। किडनी हो गई, लीवर हो गई, हमारे लंग्स हो गए, सब कुछ हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है, क्यों हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी है, वो हम किस में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। आपको एक और बात बताऊं, ये चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से करते हो ना तो आप अपने खुद के डॉक्टर जरूर बन जाओगे। आपको नॉलेज हो जाएगी हमारा ब्लड कैसे काम कर रहा है, हम ये ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उसका क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, हमें कैसा फूड लेना चाहिए, ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस आर द सीरीज ऑफ एक्शन सच एज मूवमेंट, रेस्पिरेशन। मूवमेंट भी हमारी बॉडी की जरूरी है, अगर हम मूव ही नहीं करते तो हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है बॉडी में। कभी अगर हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी नहीं है, सपोज मैंने किसी गर्म चीज को टच कर दिया, हॉट प्लेट को मैंने टच किया और मेरी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, सपोज मेरी नर्व्स काम नहीं कर रही, तो मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया तो मेरा हाथ जल जाएगा, जल जाएगा तो मेरा हाथ ही खराब हो जाएगा ना, मेरे ब्रेन तक वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो सेंसिटिविटी हो गई, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन, ये सब जो है हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं।
ये हमारी बॉडी की नीड है, जरूरी है ये, इसके बिना हमारी लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें क्या करना है लाइफ प्रोसेसेस में, हमें करना क्या क्या है देखते हैं। मेरे लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। फर्स्टली आपको अपने चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन क्रैम करी जा रहे हो। नो, समझ के करो बच्चों। लाइफ प्रोसेस चैप्टर इतना इजी है, इतना इजी है, सिर्फ आप खुद को देखते जाओ और उस चैप्टर को करते जाओ। अभी हमने अपने आप को देखा, हमने देखा लाइफ प्रोसेस में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज जरूरी है। हमने खाना खा रहे हैं, हमारे को जरूरी है। हम सांस ले रहे हैं, जरूरी है। और हम चल फिर रहे हैं, हमारे को वो जरूरी है। हम किसी चीज को हाथ लगा रहे हैं, हम गर्मी में जा रहे हैं, सर्दी में जा रहे हैं, सेंसिटिविटी जरूरी है। हमारी बॉडी की ग्रोथ जरूरी है। हम इतने से इतने हो गए, इतने के इतने थोड़ी ना रहेंगे हम। तो आप अपने आप को देखो और ये पूरा का पूरा चैप्टर लर्न करो। तो फर्स्टली क्या था, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हमें सिर्फ अपने चैप्टर का टॉपिक को क्लियर करना था। नेक्स्ट क्या है, हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं, हमें क्या करना है। बहुत सारी है, अभी हमने किया सेंसिटिविटी है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है। इस चैप्टर में जो हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस को डीपली हम करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमें कहते हैं ना कभी भी हमें अपनी डाइट का ध्यान देना चाहिए या इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन मीन्स जो हम खाना खाते हैं, जो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। न्यूट्रिशन जो हम ईट करते हैं, ईटिंग करेंगे हम न्यूट्रिशन, लाइक हम खाना खा रहे हैं, हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में क्या करेंगे डीपली, बट हम वन बाय वन इसको करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन करना है। और आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपका काम ये है कि आप लाइफ प्रोसेस टॉपिक को अपने माइंड में क्लियर करो कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, हमारी लाइफ की कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। देन हम इस चैप्टर में कौन कौन से पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम न्यूट्रिशन कवर करेंगे, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन बेसिकली हमें बोलते हैं कि सांस लेना। सांस लेना नहीं होता, हम इसको बोलते हैं एनर्जी। एस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। मीन्स हम जो फूड ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्ट हो रहा है, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है वो हम किस में कवर करेंगे, हमारे रेस्पिरेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया, आप इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक है। न्यूट्रिशन मींस हमने क्या किया, खाना खाया। खाने से हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब जो ये एनर्जी है, एनर्जी जो लाइक हमारे घर पे इन्वर्टर है, इन्वर्टर की जो है, इन्वर्टर का कनेक्शन होगा ना, हमारे हर रूम के अंदर वायर होगी, इस रूम में भी वायर है, फैन के साथ भी वायर है, हर लाइट के साथ वायर कनेक्टेड है। हम बटन ऑन करते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। लाइक दिस ये एनर्जी क्या हो गई है, रेस्पिरेशन से एनर्जी बन गई, सेव हो गई एनर्जी। अब इस एनर्जी को वायर्स के थ्रू, वायर्स मीन्स हमारी बॉडी में जो ब्लड नर्व्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व्स हैं, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। फिर हमारी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो भी हमने खाया वो हमारी बॉडी में ट्रांजिशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो हमारी बॉडी ने यूज किया वो कैसे किया, जो यूज नहीं हुआ वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा, निकल जाएगा हमारी बॉडी से बाहर। तो हमें क्या करना है, ये आपको फोर जो है टॉपिक्स टिप्स पे होने चाहिए। हमें इस चैप्टर को क्रैम नहीं करना है, हम इसको समझ के करेंगे, हम अपने आप पे लेके करेंगे कि हमें लाइफ प्रोसेस में क्या करना है। मैंने सबसे पहले खाना खा लिया, खाना खाने वाली प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन कवर करेंगे। खाना खाने के बाद वो मेरी बॉडी में गया, बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद मुझे एनर्जी मिली। एनर्जी वाले स्टेप को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। वो हम रीड करेंगे कि हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी कैसे बनती है। रेस्पिरेशन के बाद हम कवर करेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारी बॉडी में एनर्जी तो बन गई, बट वो हमारी पूरी बॉडी में गई कैसे एनर्जी। ऐसा तो नहीं कि आपकी इस आर्म में एनर्जी है, इसमें एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। हमें एनर्जी होती है तो पूरी बॉडी हमारी एनर्जेटिक फील होती है, एनर्जी नहीं होती तो हमारी पूरी बॉडी हम कह रहे कि हमसे आज उठा नहीं जा रहा। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो गई,
उसके बाद हम खाना भी खाती हैं और यूरिन भी जाती है, तो वो जो भी हमारी बॉडी के अंदर यूज हुआ, जो यूटिलाइज हुआ वो तो ट्रांसपोर्ट हो गया, जो यूटिलाइज नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस थे, वेस्टेज थे, वो हमारी बॉडी से क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो उस स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सक्रेशन करेंगे। ठीक है, तो हमें ये 4 स्टेप्स कवर हो गए। कवर कहने का मीनिंग हमें सिर्फ नेम याद हो गए। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ हमारे पास एक्सक्रेशन। ठीक है, आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पार्ट आज मैं आपको हाफ पार्ट हम बहुत आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमें करना है करना है करना है, आराम से करेंगे बिल्कुल, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो न्यूट्रिशन हम करने वाले हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज न्यूट्रिशन, होता क्या है न्यूट्रिशन। देखो साइंस की लैंग्वेज में हम ये बोले, वैसे बोलते हैं कि खाना खा लिया ये हमारा न्यूट्रिशन है, हमें फ्रूट भी खाना चाहिए, हमें एप्पल खाना चाहिए, हमें दालें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए, रीजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लेना हमारे फूड में एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, आप न्यूट्रिएंट्स की जगह पे आप ये बोल सकते हैं कि हमने खाना खा लिया, हमने खाना खाया उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग भी हो रही है। रिपेयर बोले तो जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली सम डेज के बाद क्या हो जाएगी, ठीक हो जाती है, तो वो भी इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी डाइट ले रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट के बारे में सुना है कभी, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। लाइक देखो आप पूरा दिन क्या कर रहे हो, सिर्फ आप रोटी खा रहे हो, रोटी के साथ आप सब्जी खा रहे हो, एक ही सब्जी खा रहे हो, आप कोई और वेजिटेबल्स जो है वो नहीं ले रहे। तो अकेली अगर हमने रोटी ले ली उससे हमारी बॉडी की वो ग्रोथ नहीं होगी। हमें क्या क्या खाना चाहिए, हम बोलते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हम बोलते हैं अगर हम वैसे अपनी मम्मी की लैंग्वेज में बोलो तो हमें दूध भी देते हैं, हमें मिल्क, मम्मी बोलते हैं कि मिल्क पीना चाहिए, प्लस हमें कर्ड भी देते हैं कि बेटा कर्ड भी खा लो, प्लस हम दाल भी खाते हैं कि दाल भी खा लो, और भी हम क्या करते हैं, हम बाहर का जो जंक फूड खाते हैं उससे हमारे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलते, हमें ये मेनली चीजें जो है वो न्यूट्रिशन देती हैं। एग हम खा सकते हैं, एग भी हमें अच्छा न्यूट्रिशन देता है, स्प्राउट्स खा सकते हैं हम, ये सब चीजें जो है हमें अपनी डेली लाइफ में, बोलते हैं कि डेली एक एप्पल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, लेमन हमें खाना चाहिए, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, लेमन हो गया, एप्पल हो गया, मिल्क हो गई, कर्ड हो गई, लस्सी हो गई, हम ये चीजें हमें अपनी डेली डाइट में यूज करनी चाहिए। दीज आर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि किस लिए, अब देखो मिल्क से हमें कुछ और मिलेगा, मिल्क से हमें प्रोटीन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, खाने से रोटी से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, एग से भी हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारे जो है हमारे, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे एक ही फूड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ रोटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बैलेंस डाइट मीन्स हम अपने डेली डाइट के अंदर ये सब ले रहे हैं। अगर हम विटामिन भी बहुत टाइप के होते हैं, विटामिन ए बी सी डी बी 12 ये सब होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट कहने का मीनिंग कि हम अपनी बैलेंस डाइट मींस हम अपने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हम लेते हैं हमारी बॉडी में, हमें प्रोटीन के अलग सोर्सेज हैं, फैट्स के अलग सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलग सोर्सेज हैं, विटामिन्स के अलग सोर्सेज हैं, ये सारे हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं, सब सब अलग अलग हमारे को सब्सटेंसेस से मिलते हैं, कुछ एक हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, कुछ हमें चपाती से मिलते हैं, कुछ हमें मिल्क से मिलते हैं, ये सब चीजें जो हैं उनके हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हमें अपने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स को लेना, न्यूट्रिशन मीन्स हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो अपनी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, इन सबको लेके हमारी बॉडी के अंदर हम उसे यूटिलाइज कर रही हैं, उसको यूटिलाइज करके हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो आपके पास यहाँ 2 टर्म्स आई हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है,
हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट्स लेके यूटिलाइज करना। बट आपसे पूछा गया, जैसे आपने किसी को आपसे क्वेश्चन किया गया, किसी ने वाइवा में पूछा बेटा व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आपने बोला कि टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज न्यूट्रिएंट इन नोन एज न्यूट्रिशन। तो सर ने बोला कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, आपने ये तो बोल दिया कि हम न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रही हैं और हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है, बट व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो आप बोलोगे कि न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एटसेट्रा। ठीक है, फैटी एसिड्स बहुत सारे होते हैं, बट आपको मैंने इसलिए मेन मेन बताया है क्योंकि फैट्स आपको करना है, प्रोटीन भी आपको करना है, मिनरल भी आप मिनरल भी छोड़ सकते हो, कार्बोहाइड्रेट करो, विटामिन करो एंड वाटर तो है ही है। तो आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये फोर लर्न करने हैं जो कि 10th लेवल पे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ये सब होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और ये सब हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं, फिर हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशन। देखो, अब हमने बोल दिया कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स होता है खाना, खाना और उसको यूज करना। अब हम न्यूट्रिशन के टाइप्स करते हैं कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होंगे जो भी हम अब करने वाले हैं और होते कितने टाइप के। फर्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट, अब देखो हमने तो बोल दिया हर चीज को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सबको ही न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, हमें भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। तो प्लांट्स का भी फर्स्ट हमने करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट, सेकंड हमने करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी बहुत सारे होते हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, हम भी हैं, जैसे डॉग का अलग खाना है, काउ का अलग खाना है, लॉयन का अलग खाना है, हमारा खाना अलग है। प्लांट्स तो सब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सबका प्लांट्स का सेम ही होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं, मींस उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, वो अपने आप को कैसे ग्रोथ करते हैं, क्या चीज वो खाते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे, प्रोसेस्ड फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या है न्यूट्रिशन, ये मैं आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता रही हूँ कि हमें न्यूट्रिशन टू टाइप का करना है इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन प्लांट करना है एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करना है। हम जो आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट पे। सेकेंड देखो, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन भी साथ साथ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब मैंने आपको बोला एनिमल्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग एनिमल्स बट वी आर डिफरेंट, है ना, हमारा खाना भी डिफरेंट है, हम डिफरेंट हैं। तो हमारे पास जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होगा वो कितने टाइप का होगा, जैसे हम अपना खाना क्या कर रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, उसकी हम चपाती बना रहे हैं, बट डॉग तो ऐसा नहीं करता ना, वो कहाँ पे जाएगा वीट लेके आएगा, वो ऐसा नहीं करता है। तो सबके जो कैटेगरी वाइज जो है वो न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। एनिमल्स में 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो हर्बीवोरस होता है, एक कार्निवोरस होता है, एक ओमनीवोरस होता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन सब जब एनिमल्स में करेंगे तब करेंगे, अभी आपको जस्ट नेम लर्न करना है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। लर्न करने के लिए आप अपने माइंड में ये चीज रखो कि प्लांट्स तो एक ही टाइप के होते हैं, सब प्लांट्स ग्रीन ही होते हैं, अगर ग्रीन नहीं भी होते तो उनका प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो ऑलमोस्ट या वाटर वगैरह के अंदर होते हैं, तो वो वाटर से ले लेते हैं ऑक्सीजन अपने, बट हमने क्या करना है फोटोसिंथेसिस, वन टाइप का ही होता है न्यूट्रिशन उनमें, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अपने माइंड में इमेज रखो कि हम हैं, मैं हूँ, कैट है, डॉग है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप अपने माइंड में रखो। सबका खाना पीना अलग है, सब अपना अलग अलग वे से बनाते हैं, हम लोग अपना खाना बनाते हैं और कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि वो अपना खाना बनाए। तो 3 टाइप की है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है एंड क्या है ओमनीवोरस है। अब देखो क्या है, अभी हमने कर लिया न्यूट्रिशन, हमने 2 टाइप का करना है। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड ऑफ प्रिज्यूमिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। मैंने ये बोल दिया कि मैं अपने फूड को क्या कर रही हूँ, प्लांट से ले रही हूँ, बट उसका एक नेम भी होगा साइंस में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि जैसे कि अब मैं तो किसी और पे डिपेंड हूँ खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपना खाना, मैं अपना वीट भी खुद बना रही हूँ, नहीं, हम डिपेंड हैं, किस पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि मेथड ऑफ प्रिज्यूमिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड,
कि हम अपना फूड को कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से हम अपने फूड को अरेंज कर रहे हैं, बाय ऑर्गेनिज्म। हम क्या किसी पर डिपेंड हैं? अगर प्लांट्स में से वीट ही नहीं बनेगा, गेहूं नहीं निकलेगा, तो हम अपना खाना कैसे लेंगे? हम डिपेंड है किसी और पे। हम ये तो नहीं ना सब वेजिटेबल्स हम प्लांट्स पे डिपेंड है, हम पूरे के पूरे प्लांट्स पे डिपेंड है। अगर जो लोग वेजिटेरियन है वो प्लांट्स पे डिपेंड है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे डिपेंड है। तो हम अपना फूड खुद नहीं बना रहे, हम किसी और पे डिपेंड है। तो ऑटोट्रॉपिक क्या है? जो अपना फूड खुद बनाते हैं। मोनोन्यूट्रिएशन मीन्स वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। और हेटरोट्रॉपिक जो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। अब देखो ये नेम से इंडिकेट हो रहा है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स होता है मेड, ठीक है, सेल्फ मेड, कि उनको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ग्रीन प्लांट्स इस पे डिपेंड नहीं करते। वो देखो कुछ एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे तो डिपेंड करते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई भी चीज ऐसे बन जाएगी, बट वो ऐसा डिपेंड नहीं करते कि अगर उनको कोई लेंगे कि प्लेट में कोई डाल के देगा रोटी या फिर वो आटा लेके आएंगे, नहीं। ऑटोट्रॉपिक ही किसी पे डिपेंड नहीं करते, नेचर पे जरूर डिपेंड करते हैं बट हमारे हम लोगों पे डिपेंड नहीं करते। जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स, हेट्रो का मीनिंग होता है अदर्स, ट्रॉपिक मीन्स होता है मेड। जो अपने फूड को बनाने के लिए अदर्स ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, दीज आर नोन एज हेट्रोट्रॉपिक। तो अब इन दोनों चीज में देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा अलग था, ये न्यूट्रिशन इन एनिमल था प्लांट, बट न्यूट्रिशन का ही फर्दर हम बात कर सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, फिर हमने कर दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है, फिर हमें न्यूट्रिशन मिलता कहां से है, टू टाइप के हमने कर लिए कि ऑटो होता है, कुछ लोग तो खुद, कुछ ऑर्गेनिज्म तो खुद बनाती हैं और कुछ क्या करती हैं, अदर्स पे डिपेंड करते हैं। और जो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट किया, फोटोसिंथेसिस किया, दीज आर ऑटोट्रॉपिक एंड वी आर हेटरोट्रॉपिक, हम डिपेंड करते हैं अदर्स पे, और प्लांट्स जो है वो डिपेंड नहीं करते। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक। अब देखो अभी मैंने एनिमल्स की बात की, लाइक दिस एनिमल्स की कैटेगरी में तो कौन से आएंगे, हर्बीवोरस आ गए, कार्निवोरस आ गए और ओमनिवोरस आ गए। अब फर्दर हमारे पास क्या है, और हेटरोट्रॉपिक, अब हम लोग हैं हेटरोट्रॉपिक मीन्स हम किसी और पे डिपेंड है, उसमें भी थ्री टाइप के फर्दर है कि वो अपना मोड कैसे ले रहे हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। कुछ एक तो डेड मटेरियल से लेते हैं, ये जो सेप्रोट्रॉपिक होता है इसमें अपना फूड, जस्ट मैं आपको अभी मैं इसको क्लियरली आपको डीपली कराऊंगी, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। हेटरोट्रॉपिक हम अदर्स पे डिपेंड है, बट थ्री टाइप के अदर्स पे डिपेंड है, हम थ्री टाइप है हमारे पास, थ्री टाइप कैसे है, सेप्रोट्रॉपिक जो है वो डेड मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, क्या करते हैं, डेड मटेरियल से, कोई भी हमारे पास डेड चीज है, लाइक फंगी आ जाती है, आप रोटी को अगर टिफिन बॉक्स में रख दोगे बंद करके, तो उसे चार या पांच दिन के बाद देखोगे तो उसके ऊपर वाइब्रेट फंगस हो जाती है, ईस्ट हो गए, तो वो क्या करती है, डेड मटेरियल से अपना फूड को करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कि ये हमारे पास क्या है, ये अपना फूड तो किसी और से ले रहे हैं, किसी और पे डिपेंड है, बट कैसे पे डिपेंड है, डेड पे डिपेंड है, डेड मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। और देखो नेक्स्ट है पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या होते हैं, पैरासाइट्स, वो एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड ले रहा है, लाइक मॉस्किटो की बात करते हैं, मॉस्किटो भी एक ऑर्गेनिज्म है, वी आर आल्सो ऑर्गेनिज्म्स। मॉस्किटो क्या करते हैं, हमें हमारा ब्लड ले लेते हैं, हमारा ब्लड निकल गया बट उसका क्या बन गया, खाना बन गया। तो इस टाइप का कि जो क्या करता है, किसी और की बॉडी से अपने फूड को लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। क्या होगा पैरासिटिक की, वो किसी और पे डिपेंड है। अब मॉस्किटोस किस पे डिपेंड है, हमारे पे डिपेंड है, हमारा ब्लड लेंगे तभी वो जिंदे रहेंगे। तो क्या है, और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है बट ये ब्लड ले रही है, किसी और की बॉडी पे डिपेंड है, ये डेड मटेरियल पे डिपेंड है, बट होलोजोइक मींस होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड ले रहे। लाइक हमने एप्पल सीधा प्लांट से लिया, फिर हमने उसको सिंपलर के अंदर कन्वर्ट किया और फिर हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया।
तो हम जो है वो किस में आती है, होलोजोइक में आती है। हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट से, एनिमल से, लाइक मिल्क हो गया, एग हो गया, हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं ईट अप करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको जस्ट अपने माइंड में, देखो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, हमने क्या किया, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स हमने अपना फूड लिया, फूड लेने के बाद फूड में हमने न्यूट्रिएंट्स लिए, न्यूट्रिएंट्स को हमने खा लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब ले लिया, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, ग्रोथ कर रही है, मूवमेंट कर रही है, रिपेयरिंग हो रही है, सब हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हो रही है। फिर जो न्यूट्रिशन है हमें मिलता कहां से है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, टू टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक है। मींस न्यूट्रिशन हम जो खाना ले रहे हैं वो टू टाइप से होता है, एक तो खुद बना सकते हैं, एक हम किसी पे डिपेंड करते हैं। खुद बना सकते हैं नॉन एज ऑटोट्रॉपिक एंड अदर्स पे डिपेंड करते हैं, दीज आर हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या है, ओनली प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जो अदर्स पे डिपेंड करती है वो क्या है, थ्री टाइप की है, कौन कौन सी है, सेप्रोट्रॉपिक है जो कि डेड मटेरियल से ले रही है, पैरासिटिक है जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से ले रही है, थर्ड वन इज होलोजोइक जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डायरेक्टली प्लांट से या एनिमल से ले रहे हैं, वी आर ऑल्सो होलोजोइक। हम हेटरोट्रॉपिक है, हम किसी और पे डिपेंड है, बट हम किसी डेड मटेरियल से नहीं ले रहे हैं, हम कोई पैरासिटिक फॉर्म में नहीं है, हमारा थर्ड टाइप है होलोजोइक। तो तीन टाइप से खाना खाते हैं, हेटरोट्रॉपिक थ्री टाइप से अदर्स पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास सेप्रोफाइटिक हो गया, एक हो गया हमारे पास पैरासिटिक एंड देन वन इज होलोजोइक। अब देखो हमने ये तो बोल दिया कि वी आर हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक में भी मैं तो वेजिटेरियन हूं, सपोज आप जो देख रहे हैं आप नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग सेम ही खाना खाते हो, सकते मैं एग नहीं खाती आप एग खाती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो एनिमल्स के अंदर भी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, थ्री टाइप में एनिमल्स खाना खाती हैं, मींस होलोजोइक तो हैं पर वो थ्री टाइप के अपने अलग अलग खाना खा रहे हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस में ओनली क्या करते हैं, ग्रास ईट करते हैं, ठीक है, ग्रास हो गया या फिर ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स हो गए, प्लांट्स ईट करते हैं, हम ग्रास नहीं बोल सकते, प्लांट्स ईट करते हैं, क्योंकि वी आई एम हर्बीवोरस तो मैं ग्रास नहीं खाती हूँ, तो क्या होगा, ओनली प्लांट्स ईट करते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते। तो कार्निवोरस क्या करते हैं, ओनली क्या करते हैं, नॉन वेज मींस अदर एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स ईट करते हैं, जैसे बड़े वाला है बिग है तो वो स्मॉल एनिमल को खाएगा। ओमनीवोरस क्या होते हैं, बोथ, जो क्या करेंगे, प्लांट्स भी ईट करेंगे और क्या करेंगे, एनिमल्स भी ईट करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक है, होलोजोइक में भी थ्री टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जैसे अब हम, मैं होलोजोइक हूं बट एनिमल्स इज आल्सो होलोजोइक, तो अब हर किसी का खाना अलग है, तो थ्री टाइप की उनकी भी कैटेगरीज हैं, हर्बीवोरस जो ओनली प्लांट्स ईट करते हैं, कार्निवोरस जो ओनली एनिमल्स ईट करते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों ही ईट करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी ईट करते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का एक ब्रीफली था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको एक और शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, हम करते हैं यहाँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया, एक बार मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक बार ही आप ये चैप्टर करो, उसके बाद आपको भूले नहीं, कभी भी नहीं भूले। देखो अभी मैं आपको ये करवाती हूँ, आप अपने साथ साथ खुद भी नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप खुद भी रिटर्न में कुछ करते हो लर्न तो आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाता। देखो हमने क्या किया, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन मीन्स हमने क्या कर लिया, न्यूट्रिशन मीन्स हमने क्या कि टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज, हमने उसको क्या कर दिया, यूटिलाइज किया। फिर हमने ये किया कि न्यूट्रिशन मींस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हमने न्यूट्रिशन तो हमने बोल दिया कि हम खाना खा रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, बट न्यूट्रिशन हमने मिलता कहां कहां से है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे न्यूट्रिशन ले सकते हैं। न्यूट्रिशन लेने के भी टू टाइप्स हैं, कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक और कौन सा होगा, हेटरोट्रॉपिक। ऑटो क्या होता है, जो सेल्फ मेड, खुद बनाते हैं,
जो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं। क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक में मैंने कौन कौन से बताए हैं जो अदर्स पे डिपेंड करते हैं, वो थ्री टाइप के होते हैं। थ्री टाइप के कौन से हैं? सेप्रोफाइटिक, जो कि डेड मटेरियल से लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि पैरासिटिक, जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दैट इज होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम हो गए। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन प्लांट्स में और ये हो गया न्यूट्रिशन एनिमल्स में। बट होलोजोइक में भी फर्दर हम बोल सकते हैं कि कितने टाइप्स होंगे? थ्री। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी थ्री टाइप से लेते हैं। कौन सा होगा? हर्बीवोरस होगा, देन कौन सा होगा? कार्निवोरस होगा, और कौन सा होगा? ओमनिवोरस होगा। तो हमने ये चीजें जो है अभी तक सारी रीड की हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आपसे जस्ट ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेप्रोफाइटिक या फिर व्हाट इज पैरासिटिक या फिर हर्बीवोरस क्या होते हैं, जस्ट आपसे डेफिनेशन सीधा पूछी जाती है। बट आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज जो है वो पता होना चाहिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है, कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, कितने टाइप के एनिमल्स के अंदर हमारे पास हेटरोट्रॉपिक हो रहा है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता कितने टाइप का है। तो ये सारी चीजें हैं। एक दो बार आप अपने आप से लिख के देखना, पूरा फ्लो चार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, मुझे नहीं लगता कि ये हार्ड है। और अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को कराया है, एक बार बोलते कि मैम लाइफ रिसर्च चैप्टर तो बहुत गंदा है, बट मेरे करवाने के बाद स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मैम तो बहुत इजी चैप्टर है, मजा आया करने में। होप आपको भी ऐसा ही लगेगा। अब देखो हमने क्या करना है। अब हम आते हैं अपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। मैंने बोला कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक अपना फूड कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? देखो फोटो वर्ड जहां पे भी यूज होता है ना, फोटो मींस होता है लाइट। बेसिकली फोटो सनलाइट के लिए यूज होता है। सिंथेसिस मींस होता है मेट, बनाना किसी चीज को। तो फोटोसिंथेसिस की सनलाइट को यूज करके कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। मैंने भी बोला कि ऑटोट्रॉपिक मींस सेल्फ मेड, किसी पे डिपेंड नहीं है प्लांट्स, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। और क्या होता है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, देखो आप इनको क्या क्या चाहिए। सपोज मुझे खाना बनाना है, मुझे क्या चाहिए? डो चाहिए, आटा चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे गैस भी चाहिए, मुझे उसके लिए सारे यूटेंसिल्स भी चाहिए, खाना बनाने के लिए तवा चाहिए, ये सब चाहिए। मैं डिपेंड हूं, मैं हर चीज के लिए डिपेंड हूं। बट प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, डिपेंड नहीं है, वो नेचर पे डिपेंड है। क्लोरोफिल यूज करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये बना लो कि CO2 के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, उनको क्या क्या चीज चाहिए कि वो अपना फूड बना सकते हैं। उनको चाहिए CO2 प्लस उनको चाहिए वॉटर प्लस उनको चाहिए क्लोरोफिल और उनको चाहिए और क्या चाहिए? सनलाइट। ये सब चीजें जरूरी है उनके लिए। अब देखो CO2 कहां से मिलेगी उनको? इन्वायरमेंट से। वो गॉड गिफ्टेड है, वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। वाटर भी हम दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो जो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं तो वो नीचे अर्थ से वाटर ले लेती हैं। अगर वाटर नहीं भी देंगे तो रेन से भी वो वाटर ले सकते हैं। मींस वो हमारे ऊपर 10% ही डिपेंड है। प्लांट्स ऐसा नहीं है कि 100% हमारे पे डिपेंड है। हम खुद अपने प्लांट्स लगाते हैं तो हम उन्हें वाटरिंग प्लांट करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की बिग प्लांट्स की, तो उनको हमारे वाटर देने की जरूरत नहीं होती। उन्हें फूड बनाने के लिए CO2 चाहिए, नेचर पे डिपेंड है। H2O चाहिए, नेचर से मिल रही है। क्लोरोफिल क्या होता है? व्हाट इज क्लोरोफिल? आपने देखा होगा कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं, तो जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और सनलाइट, ये भी सन नेचर से मिल रहा है, तो इनको कोई चीज भी हमसे नहीं चाहिए, ये भी उनको नेचर से मिल रहा है, ये भी उनको नेचर से मिल रहा है। तो ये फूड बनाते कैसे हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है? ये देखो, ये ग्रीन लीव्स हैं, दीज आर ऑल ग्रीन लीव्स। क्या किया इन्होंने? ग्रीन लीव्स के
अंदर सनलाइट सनसेज आ रही है और एक चीज जो भी इनका फूड बनता है वो लीव्स के अंदर बनता है। क्लोरोफिल इनके पास ऑलरेडी है, सनलाइट ही इन्वायरमेंट से ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही इन्वायरमेंट से ले रही है, वॉटर ही रूट से जा रहा है, इनके पास कहां पहुंच गया, लीव्स के अंदर सब कुछ पहुंच गया। CO2 इन्होंने इन्वायरमेंट से ले ली, वॉटर इन्होंने रूट से ले लिया और क्लोरोफिल इनके पास ऑलरेडी थी, क्लोरोफिल इनकी लीव्स के अंदर थी, सनलाइट इन्होंने कहां से ले ली, सन से ले ली। अब इनके पास ये सारा कुछ है जो जो इनको प्रोडक्ट बनाना है, इनके पास सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सबको यूज करने के बाद ये क्या बनाती है, C6H12O6 ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो ग्लूकोज प्लस में क्या बनेगा, O2 बनेगा, O2। और इतना कुछ करने के बाद भी, वो अपनी मेहनत करने के बाद भी हमें O2 दे रहे हैं, प्लांट्स जो है हमें O2 दे रहे हैं और उनके O2 देने की वजह से ही वी आर अलाइव, हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमें ये ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम बिल्कुल ही नहीं जी सकते। तो ऑक्सीजन हमें देते हैं प्लांट्स और क्या करते हैं, खुद का फूड भी बनाते हैं, खुद के लिए भी बनाते हैं और हमें भी देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी रिएक्शन है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, कि उन्होंने सनलाइट को यूज किया और खुद का फूड बनाया, किस फॉर्म में बनाया, C6H12O6 की फॉर्म में फूड बनाया, प्लस में क्या दिया है हमें, O2 दिया है। This reaction is very very important reaction. What is photosynthesis? And write down the photosynthesis reaction. और इसमें product क्या बनता है, किस form में बनता है। अब देखो, ये हमने reaction लिखी, ये हमारी balanced chemical reaction है, कि हमारे पास क्या है, CO2 plus में water हो गया, photosynthesis reaction हो रही है, solar energy आ रही है, but इसमें आपने यहाँ पे chlorophyll भी mention करना है, chlorophyll must है, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। और क्लोरोफिल कुछ हमें देने की जरूरत नहीं है, ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर हैं, ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल की वजह से ही है, क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी ही है। ये क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, प्लस में ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो, हमने बोला कि इनके पास CO2 जा रही है, ये CO2 ले रहे हैं, O2 दे रहे हैं, कैसे देते हैं, क्या प्रोसेस क्या है, रीजन क्या है। तो जो भी हमारे पास ये देखो लीव्स हैं प्लांट्स की, तो प्लांट की लीव्स के, लीव्स पे क्या होता है, लीव्स की सरफेस पे टिनी पोर्स होते हैं, विच वी कांट सी नेट डाइज, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं कि इनके जो सरफेस पे क्या होते हैं, टिनी पोर्स होती है, स्मॉल स्मॉल होल होती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दीज टिनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर, लीव्स पे भी होते हैं, स्टेम्स में भी होते हैं, बट अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हैं तो हम लीव्स की बात करेंगे, बिकॉज जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है वो लीव्स के अंदर हो रही है। तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा कैसे वर्क करता है हम देखते हैं, ओपनिंग होती है और क्लोज होता है, मींस क्लोज और ओपन कब होता है वो, स्टोमेटा आर मेन्यूल ओपनिंग्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स स्टेम्स एंड अदर प्लांट ऑर्गन्स। स्टोमेटा अलोस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द इंटरनल टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो CO2 का भी, अदर गैसेस का भी और वाटर वेपर्स का भी, सबका क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कैसे होता है ओपनिंग एंड क्लोज, कैसे होता है हमारा, देखो जैसे ये लीव्स है, ठीक है, ये हमें स्टोमेटा दिखाया गया है, ये वाली चीज जो है वो स्टोमेटा है। जैसे इसके अंदर CO2 क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है, CO2 एंटर किए तो ये क्या हो गए, ओपन हो जाते हैं, एंट्रिंग होने किसी चीज के अंदर। ऑब्वियसली अगर हमें किसी रूम में जाना है तो हमें गेट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, हमें उसके अंदर ही रहना है तो गेट को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। लाइक दिस, जब CO2 एनवायरमेंट में आती है तो स्टोमेटा क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, CO2 उसमें चली जाती है, फिर स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, फिर वो CO2 यूज हो जाती है, जब O2 ने बाहर जाना है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो स्टोमेटा के थ्रू ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। स्टोमेटा होते क्या है, टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीव की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
तो ये हमारा सारा का न्यूट्रिशन इम्प्लांट, न्यूट्रिशन इम्प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स अपना फूड बनाती है ग्लूकोज की फॉर्म में, और बनाते कैसे है ये सारी प्रोसेस है। एंड गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। फूड कैसे बनता है, क्लोरोफिल CO2 NH2। तो हमारा ये न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट हम कल करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि आपको करने में रियली में बहुत मजा आने वाला है। आपको पता चलेगा कि हम कैसे खाना खाते हैं और कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। होप ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, करके समझ आया होगा, अच्छा लगा कॉमेंट सेशन में जरूर बताना, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। स्टूडेंट्स अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।